मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मम्मी, आज के बाद तुझे हमें देखने का तुम्हारा मौका नहीं मिलेगा। सहज, वो हमारी बहू लेके जा रहा है। जल्दी चलो, उन्हें पकड़ लेंगे हम। वो से ले जा रहा है। मम्मी शांत रहो आप। पापा रुको, ये आप क्या कर रहे हो? पापा रुको, तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना करे। वो हमारी इवा को ले गया, अब हम क्या करेंगे? मम्मी हम उन्हें ढूंढ लेंगे, पापा को पछताना पड़ेगा इसके लिए। ये है मेरा नया घर। पापा मुझे यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आता। एवा परेशान काहे हो रही हो? साथ में अच्छे से रहेंगे हम दोनों। जब तुम और मम्मी अलग नहीं थे तब सब अच्छा था, जब हम एक सामान्य परिवार की तरह रहते थे। अच्छा एवा, बस करो ना। तुम्हें तलाक क्यों मिला? क्या ये मेरी वजह से हुआ, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूँ? सच में? हाँ वैसे है तो ऐसा। क्या ये कैसे हो सकता है? तेरी माँ ने इलाज करने से इनकार कर दिया था। मैं सचमुच चाहता था कि तुम चलो, लेकिन माँ ने सर्जरी करने से ही मना कर दिया। मैं क्या करता? ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। चुप हो जाओ। अरे बदकिस्मती से यही सच है, तेरी माँ बहुत खराब औरत है, हम कभी भी साथ नहीं रह पाएंगे। तस्वीर का कांच भी टूट गया। हम इसे पूरी तरह से फेंक देना चाहिए, हम इनके बिना काम चला लेंगे। मिस्टर क्रिस, मैं पहले से यहाँ हूँ। ओह, ये मेरा असिस्टेंट डॉनी। नमस्ते। ओह, तुम्हारी तो बहुत ही सुंदर बेटी है। बस ऐसा मत कहो। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे ये गिफ्ट्स लाया हूँ, इन्हें तुम्हारे पापा ने खरीदा है। क्या? अरे बिटिया, पसंद आया तुम्हें? पापा आप पागल हो, ये रोलर स्केट्स हैं, मैं इन्हें कैसे उपयोग करूंगी? मैं तो चल भी नहीं सकती। अरे अजीब था यार, ये क्या हो गया? देखो यार, तुम एक काम करो, ये सब उठा के फेंक दो कहीं कोने में ले जाके। अच्छा सुनो, दुखी क्या हो रही हो? तुम्हें नया स्केटबोर्ड चाहिए? हम उसे बचा नहीं सके, उन्होंने ईवा को अगवा कर लिया। मैं चाहती थी कि मैं उसे इलाज के लिए अस्पताल लेके जाऊं। ये मेरी ही गलती थी, मैं उन्हें पकड़ सकता था। तुम खुद को दोष मत दो, ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब हम इस कचरे में रह रहे हैं, गरीब बन गए हैं, वो भी बिना ईवा के। मुझे उनसे नफरत है। ए दोस्तों, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ सर, आप यहाँ पर क्यों हैं? मुझे कहना है, मैं पक्का करना चाहता हूँ कि आपके डिवोर्स के बाद बच्चे सुरक्षित होने चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता, ईवा को अगवा कर लिया है। क्या किडनैप किया? लेकिन कोर्ट ने तो बच्चे तुम्हारे साथ छोड़े थे। हाँ, लेकिन ये हुआ है कि मेरी माँ भी मुश्किल में कुछ नहीं बता पाएगी। मैं आपको बताता हूँ, उसने ईवा को हमारे सामने ही किडनैप किया था। प्लीज हमारी मदद करो। ये तो सच में बहुत बुरा हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं पक्का इसकी तह तक जरूर जाऊंगा, और जैसे मुझे कुछ भी मिलेगा मैं सीधे आपको खबर दूंगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, क्या हो रहा है? पुलिस यहाँ पर क्या कर रही थी, और ये घटिया घर क्यों है? हेलो टीना बेटा, हम लोग बहुत मुश्किल में है। अच्छा, इस तरह की गंदी जगह पर रहना बड़ा ही मुश्किल है। पापा ने हमें घर से निकाल दिया। ओहो, बस करो, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे सकते? हाँ हम बाहर चल के बात करें। मेरे प्यारे बेटी, मेरी नन्ही सी जान, मेरे पास बस यही तुम्हारी बचपन की फोटो है। टीना ये सब क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? पागल हो क्या? हमारी सालगिरह अगले ही हफ्ते है। तो क्या तुम भी ना, हमने तो अभी तक ये भी नहीं सोचा कहाँ मनाएंगे, सोचा क्या? टीना इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास, हमें ईवा को ढूंढना है। तुम्हारी व्हीलचेयर वाली बहन, अब उसकी मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन तुम हमारे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अब बस बहुत हो गया, बाद में बात करेंगे। जैक, हद है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बात नहीं करूँगी। अच्छा तो हम सिनेमा पहुँच गए, मुझे भी खिलाना। पापा क्या आप सच में फिल्म देखना चाहते हैं? मुझे पसंद नहीं है, मैं बस घर पे रहना चाहूंगी। ये बबली शांत रहना, तू हमारे पास यहाँ को जरूरी काम है। डॉनी कहाँ जा रहा है तू? मैं यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ है।
पापा आप दोनों क्या कर रहे हो? शांत रहो, ये वो दुखी चेहरा मत बनाओ, बस ये पकड़ो। तो फिर हम भिखारी लग रहे हैं ना? हाँ, तुम्हारी पुरानी पत्नी और जैक की तरह है। ठीक है फिर चलो फिर। ये शर्मनाक है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। अरे तेरी, मेरी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी बीमार है। आपको वो बोल दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दयालु, पकड़ इसको। मिस्टर क्रिस, पुलिस वहाँ पर गश्त लगा रही है, सबको छुपाओ छुपाओ। ओ तेरे की, मस्त कमाई हो रही थी हमारी, पुलिस आ गई पता नहीं कहाँ से। बस गया यार, पता नहीं कहाँ से फालतू में। ठीक है चलो घर पर निकलते हैं। ये सब भयानक है, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ेगा? तुम क्या कर रही हो लड़की, तुम मुझसे टकरा क्यों गई? जय श्री राम। ओह हाय, हम गलती से आपकी बेटी के साथ आपसे टकरा गए, हमने देखा नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है, शायद हम घूमने जा सके। पापा मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। ठीक है तो तुम घर चलो, हम बाद में मिलेंगे। तो रेस्टोरेंट चले? जहाँ भी तुम चाहो। हेलो मिस्टर क्रिस, तुम डेट पर हो क्या है? बधाई हो। ठीक है तुम्हारे लिए मैं इवा पर नजर रखूंगा, वो बहुत ही लकी है यार। माँ, क्या आपने पापा के बारे में ये सब कुछ सुना क्या? हाँ लगता है वो तुम्हारे पापा का असिस्टेंट है। पापा के पास एक असिस्टेंट है? क्यों नहीं रखेगा, उसने हमारा घर बेच दिया और खुद के लिए एक नया घर खरीद लिया, अब भी उसके पास बहुत पैसे हैं। बेशरम कहीं का। चलो इवा के पास, इवा को याद आ रही होगी हमारी। हाय, मैं पहले ऐसी ही थी, मैं चल सकती थी और अब मैं इस व्हील चेयर पर हूँ और अब मैं सिर्फ इन पहियों के सहारे ही चल सकती हूँ। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, जैक, मैं तुझे गले लगाने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मुझे आपसे नफरत है। पर क्यों इवा, तुम अपनी मम्मा से ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो तुम्हारी माँ है इवा। हाँ मेरी माँ मेरा इलाज नहीं कराना चाहती थी और अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी वजह से इस व्हील चेयर पर ही रहूंगी। ये सब बकवास तुम्हारे दिमाग में किसने भरी है, ये सच नहीं है। बहन फिर से सोच लो, तुम हमारे साथ चलो अभी इवा। मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। तुम सभी चिल्ला कर रहे हो, इवा मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो अभी हमें जाना होगा बेटा, हम बाद में आते हैं। वो यहाँ क्यों आए, क्या मेरे मजाक के लिए? ये मेरी इवा को क्या हो गया, वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? मुझे नहीं पता इवा को क्या हो गया, मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब क्रिस का किया धरा है, उसने मेरे खिलाफ इवा को भड़काया है, उसने झूठ बोला है। चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। अब मैं अपनी इवा को वापस पाने के लिए कुछ भी करूँगी। है आपका? हेलो, हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें कुछ गर्म चाय पिला दो। क्या सच में? ये जगह गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये जगह बस VIP लोगों के लिए है। आपकी भला हिम्मत भी कैसे हुई ग्राहकों से इस तरह से बात करने की? तुम ग्राहक नहीं हो। हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, समझ गए ना तुम, फिर पिलाओगी तुम चाय। बस इतना ही भिखारी, मैंने पहले कहा था मुझे तुमसे बात नहीं करनी, गरीब कहेंगे। बस बात हुआ। माँ मैं उसकी कंप्लेन करूंगा, आप नाराज मत हो प्लीज। ये सब क्रिस की वजह से हुआ है, उसने हमें इतना गरीब बना दिया कि कोई भी अब बेइज्जती कर रहा है। पापा को इसकी सजा मिलेगी माँ। ओह यहाँ हो तुम, हाय। हेलो टीना, आ जाओ, क्या खाओगी? तो फिर आपके साथ लंच करती हूँ। ये रहा छोटा सा ऑर्डर। हेलो, मेरे पास इनमें से ये और ये और ये होगा। ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, हम इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। टीना तुम्हारे पास पैसे तो है ना? नहीं, जब ऑर्डर तुमने किया है तो बेबी तुम ही करोगे। किया? हाँ टीना, मेरे माँ बाप का तलाक हो चुका है और मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हूँ अब। ओ मेरा गरीब बॉयफ्रेंड एकदम कंगाल, ये कैसा भयानक सपना है। हाँ
हाँ बस हुआ टीना, लगता है हमारा साथ यहीं तक था। मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, युवा को भी ढूंढना और तुम गोल्ड डिगर बन रही हो। चलो माँ चलते हैं यहाँ से। कितना बेवकूफ है ये, मैं तो इससे ब्रेकअप ही कर लूंगी। ओह, मैंने इसका इतना साथ दिया और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। सभी हमारे व्यूअर्स को हाय है, आज हमारे पास एक खास लाइव वीडियो है। स्टूडियो में हमारे पास क्रिश और उनकी बेटी ईवा है। सभी को नमस्कार। मेरा पापा, हम यहाँ क्यों है, ये सब क्या है? ठीक है बच्चों, हमको जरूरी बातें करनी है यार तुम्हारे बारे में। प्लीज यहाँ आकर बैठ जाइए। मैं यहाँ ईवा के गंभीर रोग के बारे में चर्चा करने आया हूँ यहाँ पे आपके सामने। पापा सच में आपकी बेटी इस सिचुएशन में कितने सालों से है? तो मेरी बेटी जब सिर्फ वो 10 साल की थी, हम इस बीमारी से बस लड़ ही रहे थे, लेकिन इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया। ओ, बहुत बुरा हुआ ये। तो अभी हमें पैसे चाहिए ताकि ईवा का इलाज हो सके और वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ और खेल सके, सबकी तरह जैसे सब बच्चे होते हैं वैसी हो जाइए। सब पागलपन है, ये शो क्यों हो रहा है? वादा करते हैं हम जरूर मदद करेंगे। सफेद झूठ, मैं इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो ईवा के इलाज के लिए अपना आखिरी पैसा तक लगा दिया था। कितना बड़ा धोखेबाज है, पापा का दिमाग खराब हो गया। माँ वो आपको बदनाम कर रहे शो पर। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी स्टूडियो में कॉल करता हूँ और सब कुछ बता दूंगा। हेलो, जो क्रिस है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मेरी माँ जब इलाज करवा रही थी वो पैसे लेकर भाग गया था। ये थी ईवा की बीमारी की कहानी, मैं आपको बता रहा था। जरा रुकिए, मुझे बहुत जरूरी बात मिली है। हाँ हाँ, आगे बताओ। ओ वाह। पापा, क्या इसे बंद कर सकते हैं? आप बिल्कुल पागल हो गए हो। रुको बेटी, चुप रहो, बाद में मुझे थैंक्स बोलोगी तुम। हमारे दूसरे स्टूडियो में किसी बच्चे ने आकर बताया है कि आप धोखेबाज हैं। नहीं, ये सच नहीं है, ये सब मेरी एक्स वाइफ का काम है। वो ईवा को छीनना चाहती है मुझसे, मेरी बेटी है तू। ईवा, क्या तुम अपनी माँ के साथ रहोगी? सच में मुझे नहीं पता, मेरी माँ बुरी थी, उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की। सुनो ये क्या बोल रही है, मैं सच बोल रहा हूँ भैया। ओह, ये काफी डरावना है। हमारा प्रोग्राम तुम्हारी मदद करना चाहता है और इसीलिए हम ईवा के इलाज के लिए आपको $5,00,000 का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भरोसा नहीं हो रहा है, आप हमारी मदद कर रहे हो यार, मैं बहुत खुश हो गया हूँ, आंखों से आंसू झरे जा रहे हैं। वो हमें पैसे मिले हैं मेरे इलाज के लिए, ये। अच्छा तो मैं हवा में चलना चाहिए, ये बात चल यहाँ से कर लेते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो आप? शो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हे भगवान, उन्होंने हमें वास्तव में 5,00,000 रुपए दिए। इसने मेरा इलाज और रिकवरी दोनों शामिल होने चाहिए। ईवा, लंच के लिए तैयार हो जाओ। डोनी, देखो मुझे क्या मिला। दे दो मुझे। हाँ? इसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए। इधर दो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, उन्होंने ये मुझे दिया था। मिस्टर क्रिस सर ने इसे वापस लेने के लिए कहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इधर दो, इधर दो। अरे पर मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पापा कहाँ है? अरे ये क्या हो रहा है? आ मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी। पापा, ये क्या हो रहा है और उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट क्यों ले लिया? अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कोई? वो कौन है? हेलो, कैसे हो? हम पहले ही मिल चुके हैं, है ना क्यूटी? अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है जिससे हम व्हील चेयर पटक रहे थे? ये है मेरी होने वाली बीवी। क्या तुम खुश हो हनी? सुन लो, मुझे हाथ भी मत लगाना। पापा, आप वाकई नई पत्नी? आपने अभी तो मम्मी को तलाक दिया था। अरे हेले सच्ची है, और वो तुम्हारी देखभाल भी करेगी। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कहाँ गया? दूर रहो इससे, मैं बस घंटी बजाऊंगी और तुम मुझे वही लाके दोगी जो मैं तुमसे मंगवाऊंगी। क्या मजाक कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं हिल भी नहीं सकती हूँ। तुम
समझ नहीं रही हो, ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पापा वो मेरा मजाक बना रही है। एलिस बस तुम्हारी मदद करना चाहती है ईवा। हनी चलो बाजार चलते हैं, इसकी शिकायत सुनने की कोई जरूरत नहीं। पापा पापा क्या हम कम से कम नई व्हील चेयर ले सकते हैं? ये बहुत पुरानी है। अरे वाह, आज मेरे होने वाले पति के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ मेरी चम्मक चल लो। ये बहुत हो गया। तो काम करने के लिए तैयार हो? वैसे तुम्हें ये शॉपिंग कार्ट क्यों चाहिए? हाँ चुप रहो, अपना काम करो। अब बस शॉपिंग शुरू। जो चाहिए ले लो, सब तुम्हारा है। सच में मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। कितनी क्यूट ब्लाउज है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तुम पागल हो। ओह मुझे ये जूते भी चाहिए। अरे कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, और हम यहाँ है शॉपिंग करने के लिए तैयार। अरे आपने तो पूरा स्टोर खाली कर दिया, इतना कुछ लिया है आपने, ये सब आप लेंगी क्या? बिल्कुल बेटा, सब कुछ ले लेंगे हम। एलिस पागल है, उसने परिवार में शामिल होने का इरादा भी नहीं किया और पापा के पैसे खर्च करा रही है। ओ ठीक है। हमने तो बस संभाला है, आपको 5 लाख रुपए देने हैं। ओ बेटेगी, जे देख रोकड़ा है जे में। पापा मैंने एक जोड़ी स्नीकर्स देखी थी, चलो उसे ले लेते हैं। वो स्नीकर $200 का है। ईवा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तो मैंने एलिस पे लुटा मारा। धन्यवाद डियर। पापा क्या वो मेरे इलाज के पैसे हैं? हाँ हाँ, वो उसी सर्टिफिकेट के तो पैसे हैं। पापा वो मेरे इलाज के लिए जरूरी पैसे हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जान हमें ये बैग्स घर ले जाने हैं। जैसा तुम कहो, पर थोड़ा जल्दी करना, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। यूं क्या यूं आया? और पापा मेरे बारे में क्या, मेरा इलाज कब कराओगे? अरे राम राम मिस्टर नेठ, आपने बुलाया मुझे? प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कान खोले मेरे, बोलते जाओ। मिस क्रिस्टी ने एक कंप्लेन फाइल की है और उनका मानना है कि तुमने उनकी बेटी का किडनैप किया। ये सच नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस सब कुछ छोटी ईवा के लिए मैंने किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की? क्या तुम सच में जेल जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? मैं बेगुनाह होने का सबूत देना चाहता हूँ। ये देखो ये टीवी प्रोग्राम, मेरी बेटी ईवा अपने खुद सब सवालों का जवाब दे रही है, खुद देखो। क्या तुम अपनी माँ के साथ रहो? सच में मुझे नहीं पता, मेरी माँ बुरी थी, उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की। तो ये वाकई में सच है, तुम्हारी बेटी ने खुद ही सब कुछ बोल दिया। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ईवा क्यों नहीं चल सकती? क्रिस्टी ने उसके संग कुछ गलत किया था, उससे जेल में जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जेल की धमकी के लिए माफ करना, मैं इसकी जाँच पड़ताल करूँगा, ये वादा करता हूँ। उस चुड़ैल को देना जेल में पेल, क्रिस्टी जेल जानी चाहिए। मम्मी लगता है आपको बहुत ज्यादा बुखार है, डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि डॉक्टर को फीस दे सके। हमारे पास इंश्योरेंस है। नहीं वो तो एक हफ्ते पहले ही खत्म हो गया है। मिसेस क्रिस्टी आपके खिलाफ वारंट है। अरे नहीं, पर क्यों, किस लिए? आपको गलत फहमी होगी, आप मेरी माँ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है। जरूर आपसे कुछ गलत हुआ है, देखिए मेरी माँ की तबीयत भी खराब है, मत कीजिए। हमें इनके खिलाफ शिकायत मिली है कि ये ईवा को बहुत ज्यादा तंग करती थी। क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो हमेशा उसका भला ही चाहती हूँ। आप मेरे साथ आ रही हैं, वो भी अभी की अभी, आप इससे बच नहीं सकती, आपको क्या लगा था आप चुपके से निकल जाएंगी? नहीं उन्हें मत लेकर जाओ प्लीज। बेटा ईवा को वहाँ मत छोड़ना, उस पागल से उसे बचा लेना। चल नहीं होगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं आपको बाहर छुड़वा लूँगा और ईवा को भी बचा लूँगा। सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बस जैक की याद आती है। ओह प्यारी, तुम्हारे हाथ में क्या है? एक खिलौना, तुम्हें नहीं दिखता? कितना घिनौना है, तुरंत फेंक दो, ये जहरीला है। ये तुमने क्या किया, ये खिलौना मुझे जैक ने दिया था। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो तुम। मेरी बेटी क्यों रो रही है यहाँ पे? पापा
ये चुड़ैल बस मूड खराब है। कोई दिक्कत नहीं, तुम किट्टी से मिलो, मैं चाहता हूँ। पापा आप घर में किसी को भी ऐसे बताओ क्यों ले आते हो? किट्टी तुम्हारी देखभाल करेगी, वो हमें हर जगह चलने में मदद करेगी। मतलब जहाँ भी तुम्हें जाना है वो चलेगी, सही करो ना। हेलो ईवा, मुझे केयर गिवर की जरूरत नहीं है, मैं काम खुद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद, इसकी जरूरत नहीं थी। डियर चलो अब चलते हैं, इसे अपने हाल पे छोड़ दो। हमेशा की तरह तुम सही हो मेरी जान। ईवा तुम बहुत मजेदार हो। मैं भी कभी व्हीलचेयर में हुआ करती थी पता है, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने मेरी मदद करी और मैं हेल्दी हो गई। सच? हाँ बिल्कुल सच। अरे मेरे पास फोटोज हैं। देखो मैं मम्मी के साथ सैर पर निकली हूँ। वाह तुम बहुत अद्भुत हो, इसका मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ। ओए पर मैं अभी नहीं कर सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जरूर इससे जीत जाओगी। धन्यवाद। वो सॉरी मैंने तुम्हारे साथ पहले ऐसा किया, तुम सच में मेरी मदद के लिए आई हो। अच्छा चलो बाहर सैर पर चलते हैं, तुम्हें थोड़ी ताजी हवा की जरूरत है। ये वो जैक, फूलों के लिए शुक्रिया, अब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या हमारा झगड़ा हुआ था? ठीक है टेक्निकली हाँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ इसी चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ओह क्या सच में? कोई सरप्राइज है क्या? क्या है सरप्राइज? क्या तुम ईवा से बात कर सकती हो ताकि वो वापस आ जाए? तुम फिर से? अगर तुमने ये कर दिया तो मैं नौकरी करूंगा और फिर तुम्हें नया आईफोन दिलवाऊंगा। मैं मान गई, चल करते हैं। ईवा तुम्हारे पापा का घर तो कितना अच्छा है, मेरा तो यहाँ नाचने का मन कर रहा है। मैं तो चाहती हूँ पर व्हीलचेयर के साथ नहीं कर सकती। ओह माफ करना, मैंने ये सोचा ही नहीं। हाय छोटी बहन, तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारे साथ कौन है? ओह हेलो, मैं किटी हूँ, मुझे ईवा की हेल्प करने के लिए रखा गया है। तुम्हारा शुक्रिया, और मेरी बहन का अच्छे से देखभाल करना ठीक है? मैं पीछे हट जाती हूँ, आपको तंग नहीं करूँगी मैं। ईवा चलो घर चलते हैं, जैक ने मुझे तुम्हारी वजह से पागल करके रख दिया है। वो मुझे नहीं पता, वापस जाऊंगी बिल्कुल, मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा। पर मम्मी कहाँ है, क्यों नहीं आई वो? लेकिन तुम्हारी माँ तो जेल में है। टीना बस करो, वो माँ को ले गए और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं जानती थी कि वो बुरी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं पापा और उनकी नई पत्नी के साथ रहूंगी। क्या उनकी नई पत्नी? क्या कहो तुमने उससे? हाँ छोड़ो उसे, चलो ईवा चले यहाँ से। तुम्हारा शुक्रिया टीना, लेकिन तुमने कुछ भी मदद नहीं की। क्या मेरी गलती है ये? मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब क्या हो गया मेरे साथ, मैं जेल पहुँच गई। मिसेस क्रिस्टी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? वो तो फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके लिए एक लेटर है जैक की तरफ से। जिसका डर था वही हुआ। आप ठीक तो हैं? आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। मेरे एक्स पति ने नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो उनके साथ घर पर ही रह रही है। मेरी बेटी के साथ वो क्या क्या कर रही होगी। मेरी बेटी, लगता है आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर बैठ के आराम से मुझे सब कुछ समझाइए। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि क्रिस ईवा से पैसे कमा रहा था और मैं उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन हमारे तलाक के बाद वो ईवा को भी छीन ले गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे आपको तो ठंड लग रही होगी, मेरे पास एक ही है लेकिन काम बढ़िया चल जाता है। क्या तुम मुझे फिर से जेल में डाल दोगे? अरे नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो चलिए एक काम करते हैं, आप अपनी सिचुएशन बताइए और उसके कुछ देर बाद आप आराम से घर जा सकती हैं। तुम बहुत अच्छे हो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पुलिस अधिकारी हो। ठीक है कमरा तैयार है। एलिस तुम तो शानदार हो, यकीन मानो ईवा को पसंद आएगा। माफ कीजिए लेकिन ईवा को छत वाला कमरा अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको अपना वाला कमरा दे दूं? तेरे से कौन बात कर रहा है बे? तेरी औकात कैसे हो गई बे? हमारे मामले बीच में कूदने की जान, हमें उसे निकाल देना चाहिए, उसने कुछ भी नहीं किया। तेरी नौकरी खत्म।
हम आ गए। हाँ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? किटी ने बस मुझे खींचा। ईवा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब ये छत वाला कमरा तुम्हारा कमरा है। क्या मतलब? सच में मेरे पास एक गुलाबी कमरा था और एक फ्लफी कंबल भी था। ये काफी बेहतर है। यहाँ सब पुराने तरीके के हैं और बहुत खूबसूरत है और बालकनी भी है। ये अच्छा है, बढ़िया। तुम घर जाए बिना टहल सकोगी? मेरे पुराने कमरे का क्या होगा? एलिस ने उसे अपनी अलमारी बनाने के लिए ले लिया है। मुझे लगता है ये सही नहीं है। ईवा को छत से नीचे आने में कितनी तकलीफ होगी। एक और शब्द बोला और तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, समझे? चलो जाओ। अब बस बहुत हो गया ईवा, एलिस के गले लगो क्योंकि उसने ही तैयार किया ये। ये अच्छा है, तुम आराम करो। चलो ये बढ़िया है, अपने आप को घर में ही समझो, ठीक है? हम निकल रहे हैं। रुको, इसे कहाँ ले जा रही हो? वो ईवा, उसे टेस्टी कुकीज चाहिए थी। मैंने कहा था कि ये ठीक है। लेकिन ईवा को भी तो कुछ मीठा चाहिए। ईवा को मैदी वाला मत दो, उसका वजन बढ़ जाएगा और व्हीलचेयर खराब हो जाएगी। मिसेस एलिस, मुझे लगता है आप गलत हैं। चुप करो तुम, सब किचन में वापस ले जाओ। कितना घिनौना है। आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। मैं यहाँ पर ईवा को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें ईवा क्यों चाहिए? मैं यहाँ पर चीजें सुलझाने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ईवा किसके साथ रहना चाहती है। ईवा यहाँ नहीं है, वो घर पर नहीं है। मुझे शांति से बता दे, तेरी बेटी कहाँ पर है? वह दो दिनों से इलाज के लिए अस्पताल में है। फिर कभी आना तो मिलेंगे, अभी देखो। चलो। अरे नहीं, ये बहुत डरावना है। मुझे इन पर भरोसा नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मिस्टर पुलिसमैन, रुक जाइए, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पता है कि ईवा यहीं पर है। क्या ईवा घर पर है? इसका मतलब क्रिस ने झूठ बोला। मैं आपको पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाऊंगी, हमें कोई नहीं देख पाएगा। पापा बुरे हैं, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। ईवा, अच्छा होके तुम हमें यहीं पर मिल गई। आप क्यों आए हो और उन्होंने आपको अंदर आने कैसे दिया? दरअसल किटी मुझे यहाँ पर लेकर आई। मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगा। हाँ, मैं सहमत हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। पापा मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एलिस की परवाह है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जॉब को खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले यही तो करते हैं। मम्मी, मैं जल्द ही ईवा से मिलूंगा और उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से ईवा के साथ, बस ईवा ईवा ईवा, बस करो, शायद वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। शायद तुम सही कह रही हो, उसने खुद भी यही कहा था एक टीवी के शो पर। मिसेस क्रिस्टी, बेकार की शिकायतें आप बंद करें और नौकरी करो, इस जगह को ठीक करो। तो ये लो, हम आ गए। ओ मेरी प्यारी बेटी ईवा, तो वापस आ गई मेरी बच्ची ईवा। बहन, मैं तुझे बहुत याद करता था। माँ, उन्होंने मुझे छत पर धकेल दिया, पापा को नई पत्ती मिल गई और अब उन्हें तो मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। मैंने टीवी पर सब देखा, तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस सारे पैसे ले गया और हम तुझे पूरी तरह से नहीं बचा पाए। वो बुरा सपना था, पापा ने मुझे धोखा दिया। क्या परिवार है ये, क्या पागलपंती है। टीना, चुप रहो तुम। अरे ईवा गई, ईवा चली गई। क्या, ये कैसे हो सकता है? हमें पुलिस बुलाना होगा। हेलो नेट, ईवा गायब है। क्या, मिसिंग हो गई? क्रिस्सी, तुम्हारे पति का कॉल है। सिर्फ मिसिंग हुई, आपको कुछ और नहीं कहना। सुनो, तुम बहुत बड़े लूजर हो, ईवा मेरे पास है, वो तो सही समय पे पुलिस ने उसे बचा लिया और अब मैं तुम्हारा ईवा का पेरेंट होने का अधिकार तुमसे छीन रही हूँ। अरे नहीं, ईवा को ले गई, अब हम क्या करेंगे? मैं उसके बिना पैसे कैसे कमाऊंगा? ओह डियर, उसे भूल जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, हम एक और बच्चा पैदा करते हैं अपना। नहीं, मैं बच्चों को सहन नहीं कर सकता, तेरे जैसी पगलेट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। प्लीज अंदर आइए ना।
ये तो तुम हमें अपने घर लेकर आ गए होने। कम से कम पुलिस वाले के पास तो एक अच्छा घर है ना? टीना बकवास बंद करो। अच्छा क्रिस्टी, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्या मुझे फिर से जेल में डाल दोगे? बिल्कुल नहीं क्रिस्टी, लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी ईवा और तुम मेरे घर में आकर रहो। क्या? हाँ, विश्वास नहीं होता इसके सच में। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरे बच्चों की रजामंदी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ये लो, मैं ईवा के लिए कुछ दवाई लेके आया हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि शहर का काफी जाना माना डॉक्टर भी है। वाह, धन्यवाद। क्या सच में? क्या सच में ईवा एक दिन चल सकती है? मैं ईवा के ठीक होने के लिए कुछ भी करूँगी। तो ईवा क्या सच में ठीक हो सकती है क्या? उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। ईवा के ठीक होने के बाद हम सभी स्की के लिए जाएंगे और ईवा को तो मैं खुद स्की सिखाऊंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। वाह, मुझे ठीक होने का मौका मिला है। हुरे! आखिरकार हमारे पास एक नॉर्मल परिवार होगा। हे जैक, हेलो, क्या मुझे भूल गए हो? तुम्हें तो मैं याद ही नहीं हूँ। अब तो मैं इसे बख्शने नहीं दूंगी। मैं तुम सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुम सब ने मेरी मदद की है, तुमने मेरा अच्छा ही चाहा। ओह मेरी राजकुमारी, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्रिस्टी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टीना कहाँ है? वो हमारे साथ थी ना? हाँ, शायद वो फिर से नाराज हो गई होगी, ये तो इसकी नॉर्मल आदत सी है। तो फिर हम जल्द से जल्द ईवा का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सब लोग जाओ भाई, हिला मत कोई घूमूंगा। जो कह रहा हूँ करो, हाथ ऊपर करो। तो उठ ले बेवकूफ, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तेरे को ही निपटा दूंगा। ओ यहाँ क्या देख रहे हैं? टीना नीचे झुक जाओ, नहीं तो मेरे पापा गोली मार देंगे, वो पागल हो गया। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं तेरे को ही निपटा दूंगा। चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी जिंदगी में मेरी ईवा कहाँ गए? हमने उसे फिर से खो दिया। कौन उसे ले गया? सब मेरी लापरवाही है, मैं क्यों आई? क्या ईवा को किसी ने किडनैप कर लिया? क्रिस्टी रिपोर्ट हुआ था। पर हम सभी तो वही थे, फिर मेरी बच्ची को कौन ले गया? क्यों ऐसे कर ईवा को नहीं देख पाएंगे? मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ। हमने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे किटी ने बचाया। हेलो सब लोग, मैं किटी हूँ। मुझे ईवा की देखभाल के लिए रखा गया था। किटी, टीना ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की जब वो पापा को पकड़ रहे थे, वो ले गई थी। लेकिन किटी ने देखा वो मुझे कैसे ले जा रही है और उसने मुझे बचाया। विश्वास नहीं होता, वो टीना सचमुच बुरी लड़की है, मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। किटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ, अब हम हमेशा के लिए खुश और नॉर्मल रहेंगे। आ जाओ किटी, आ जाओ, तुमने आखिर ईवा को बचाया। ईवा, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, तुम्हें बस अब कोशिश करनी होगी, करके देखो। मुझे डर लग रहा है। स्वीटी तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ पर हैं। ठीक है, नेट मैं फिर कोशिश करूंगी। ओए, ओ, ईवा तुम तो अच्छा कर रही हो, तुम जल्द ही दौड़ने भी लगोगे। वाह, मैं चल रही हूँ, लेकिन ये सही नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ आज। ईवा, हम जल्द ही डांस क्लास में साथ में जाएंगे और चीयरलीडिंग टीम में भी हम साथ में शामिल होंगे। किटी, मेरी बहन को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल हो गया, यकीन ही नहीं होता मुझे, हमने एक साथ कितनी सारी चीजों का सामना किया है। तो चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आ,
ये दौड़ जीतेंगे। बस भागती रहो तुम ईवा। देखे 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 देखे। मुझे अकेले छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ हो। मैं यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ है। नमस्ते दर्शकों, आपका लगता है गला खराब हो गया। हम इनके बिना काम कर सकते हैं। आ जाओ तुम लेके चलो। बस कर।